महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के आंबेली घाट में शनिवार को एक बस 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दापोली के डॉक्टर बालासाहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के 34 कर्मचारियों में से 33 की मौत हो गई। एक कर्मचारी प्रकाश सावंत आश्चर्यजनक तरीके से बच गए, वे बस से कूद गए थे। मृतकों में ड्राइवर भी हैं। ये सभी दो दिन की छुट्टियों पर पिकनिक मनाने के लिए दापोली से महाबलेश्वर जा रहे थे। बस में जगह नहीं होने से 6 कर्मचारी नहीं जा पाए। हादसा सुबह 10:30 बजे पायलटपुर के आंबेली घाट के पास बस का एक टायर फटने से हुआ। कुल 40 कर्मचारी पिकनिक पर जाने थे, लेकिन बस में जगह नहीं होने से 6 नहीं जा पाए। मारे गए लोगों की उम्र 30 से 45 साल थी। एसपी अनिल पारस्कर ने बताया, घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई थी। बस सुबह 10:30 बजे खाई में गिरी थी। पुलिस और प्रशासन को हादसे की सूचना करीब 12 बजे मिली। मारे गए लोगों की उम्र 30 से 45 साल थी। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शाम तक शवों को ऊपर ला पाई। रोड पर कीचड़ और पत्थर थे। प्रकाश ने बताया कि बारिश की वजह से रोड पर काफी कीचड़ और पत्थर पड़े हुए थे। बस एक जगह अचानक उड़ खाई में गिरने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मैं वक्त रहते नीचे कूद गया और पेड़ की कुछ डालियां मेरे हाथ में आ गई। किसी तरह ऊपर चढ़कर रोड तक पहुंचा। वहां भीड़ लगी हुई थी। एक व्यक्ति से मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया। कृषि कॉलेज में काम करने वाले प्रवीण रणदेव भी पिकनिक पर जाने वाले थे, पर तबीयत खराब होने की वजह से नहीं गए। उन्होंने बताया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों के द्वारा पोस्ट किए जा रहे फोटो और चैट देख रहा था। वे रास्ते में नाश्ता करने के लिए रुके थे। उन्होंने 9:30 बजे इसकी फोटो की ग्रुप में पोस्ट की। करीब घंटे भर बाद मैंने इस पर कमेंट किया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे हादसे की सूचना मिली। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।